तो हाँ जी दोस्तों, आज हम आ चुके हैं फोर्जा होराइजन 4 के अंदर, जहाँ पर हमारी होने वाली आज रेस। और हमारे पास है मर्सिडीज की विंटेज कार। अच्छा। और इस गाड़ी को हमने पूरी तरह से मॉडिफाई करा रखा है, मतलब स्पॉइलर भी लगा रखे हैं, आगे स्कर्ट्स भी लगा रखे हैं और इंजन भी ट्यून हो रखा है, जिससे गाड़ी की परफॉर्मेंस इस रेस के अंदर भाई नेक्स्ट लेवल आने वाली है। तुम देख ही सकते हो यार कितनी ज्यादा तेज भाग रही है। ये बड़ी अच्छी बात है यार। बट इसमें डिसएडवांटेज ये है कि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव में आती है, जिससे ये ड्रिफ्ट कर सकती है। बट अभी रेनी सीजन है, मतलब रेस के ट्रैक में पूरा गीला हो रखा है। अगर हम ब्रेक भी मारेंगे ना तो भाई गाड़ी स्किट करती है। तुम देख सकते हो, ये देखो आउट ऑफ ट्रैक भी जा सकती है गाड़ी, ये देखिए। और यही हमारी डिफिकल्टी भी है कि हम आउट ऑफ ट्रैक भी जा सकते हैं, क्योंकि स्लिपरी टायर्स हैं हमारे अभी और ये गाड़ी ड्रिफ्ट बहुत ही गंदे वाला खा रही है। बट हम भी हैवी ड्राइवर है, हम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। और तुम देख सकते हो मैं अभी 10th पोजीशन पे हूँ और भाई मेरे पीछे दो गाड़ियां और एक BMW की है। मेरे को मर्सिडीज से ज्यादा BMW बढ़िया लगती है, बट अभी मेरे पास मर्सिडीज है तो भाई हम इससे ही जीतने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर टर्न आ गया, जहाँ पर भाई गाड़ी को टर्न करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है। और तुम देख सकते हो यार भाई मेरे से तो पीछे था, वो आगे आने की कोशिश, भाई ये BMW वाला मेरे से कम्पीट करने की कोशिश कर रहा है। इसको आगे नहीं जाने देना, क्योंकि भाई 40% रेस हो चुकी है और अभी तक हम 10th पोजीशन पे। हमें जीतने के लिए आगे जाना ही पड़ेगा, वो भी फुल स्पीड के अंदर। क्या बोला तूने? मतलब अभी हमें रेस पर फोकस करना है कि हमें कैसे आगे जाना है, क्योंकि 50% रेस हो चुकी है और अभी भाई हमारी गाड़ी किसी 240 टच हो चुकी है और भाई ये पीछे करने वाले हैं। और ये हो भी गया, चमू बाय बाय। और अभी हो चुकी है हमारी 9th पोजीशन। तुम देख सकते हो यार 60% रेस कंप्लीट हो चुकी है और भाई इस व्यू कितना ही खतरनाक आ रहा है सनशाइन के साथ। बाकी गाड़ियां भी आ गए हैं, बट हमें जीतने के लिए भाई निंजा टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। और अभी 7th पोजीशन पे आ चुके हैं, भाई सब निंजा टेक्निक्स काम आ रही हैं। बट हमारा स्पॉइलर रास्ते में गिर गया और गाड़ी भी भाई काफी ज्यादा डेंट्स पड़ चुके हैं। बट हमारी अभी 72% रेस कंप्लीट हो चुकी है और 7th पोजीशन भी आ चुकी है। तुम्हें कौन सी ब्रांड्स की गाड़ियां बढ़िया लगती है ना, कमेंट करके जरूर बताना। और अभी भाई 80% रेस कंप्लीट हो चुकी है और अभी भी हम 7th पोजीशन पे हैं। भाई मुझे नहीं लग रहा कि हम फर्स्ट पोजीशन पे आ सकते हैं, क्योंकि भाई आगे जो गाड़ियां बहुत ही खतरनाक और उनको बीट करना इतने कम टाइम में भाई पॉसिबल नहीं है। ये 6th पोजीशन पे तो आगे, बट आगे भाई पता नहीं कौन सी गाड़ियां भाई स्पॉइलर वॉयलर लग रखे हैं और भाई दिखने में भी काफी खतरनाक लग रही है। और ये देखते ही देखते भाई हमारी 6th पोजीशन आ चुकी है। और अगर तुम्हें ये रेस बढ़िया लगी है तो चैनल को लो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।